हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं अपने एक मिक्स ऑर्चिड में आया हूँ, जिसमें मैंगो है, जापानी है, आड़ू है, प्लम है और नींबू है, ऑरेंज है, किन्नू है, कटहल है, केले हैं। ये सब मिक्स ऑर्चिड है, तो इतना बड़ा नहीं है, फिर भी अभी तो मैंगो का सीज़न है तो मैंगो लगे हुए हैं। तो मैं आपको अपने बगीचे से अवगत कराना चाहता हूँ, कृपया बने रहिए। ये दशहरी है, अभी पकने पे हुए नहीं क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा लेट पकेंगे। हाँ, ये जो ऊपर है ये लोकल आम है, देसी आम है, काफ़ी लगे हैं। लाइट सूरज की पड़ रही तो दिख नहीं रहे हैं अभी, इतने बहुत लगे हुए हैं इसमें भी। और गिर रहे हैं पक्के, तो कुछ हमने खाए और कुछ हमने इकट्ठा किए हैं। आपको बता दूं, ये ऐसे खड्डा टाइप का एरिया है, थोड़ा सा डाउन अप डाउन एरिया है। देखिए कितने बढ़िया से लगे हैं। आम का क्या सीज़न आता तो डंठल में भी आम लगते हैं, देखो ये गुच्छे में लगे हुए हैं। ये दशहरी है। और अब ये ऊपर जो है ये चौसा है, ये तो अभी बहुत लेट पकता है। ये दो पेड़ है चौसा के, लगे हैं इसमें भी काफ़ी। ये जाके पकेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक में या नवंबर लास्ट में, बहुत लेट पकते हैं। बाहर से तो ऐसे लगते हैं ये जैसे कि काले पड़ गए हो, पर मैं क्या बताऊं, जब पक के आप इतने बड़े हो जाते हैं एक आम खाओगे इतना मीठा रसीला कि पेट भर जाएगा। नीचे भी है, ये दशहरी है नीचे। ये केले हैं, हमने दिल्ली से लाए थे स्पेशल केले। इसकी जो एक फ्रूट की जो ब्रांचेज वो नीचे को बनती है, फल जिस पे आता है, फूल बनता है, उसमें 120 से 130 केले तक लग जाते हैं और एक साइज़ के। ये हमने थोड़े से करेले लगाए, उसके आगे घिया है और फिर और आगे बढ़ेंगे तो कचालू है। अभी मैंने न्यू प्लांट लगाए हैं, ये ऑरेंज के लगाए हैं। और नीचे हमने लीची भरी है। हाँ, मैं बताना भूल गया, लीची भी है इस बार, लीची भी लगाई है। 10 पौधे लीची के लगाए हैं पूरे उस पे, बीच बीच में। ये साइड साइड में किन्नू है और संतरा है, और उस साइड में मैं दिखाना चाहूँगा आपको मिर्च है। ये भी हमने नए पौधे लगाए अभी, ये शहतूत के पीछे भी लगाए, आगे भी लगाए। इधर पाओगे तो इधर भी दशहरी है, इसमें लगे नहीं, इसको इसमें पिछले साल लगे थे, बेचारे में एक ही आम लटका हुआ है। ये देखोगे आप तो घिया लगा है, घिया सुबह ही तोड़ा था मैंने, अभी फिर तोड़ने लायक हो गया है। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये लीची के पौधे लगाए हैं हमने। इधर भी है, उधर खीरा के पीछे भी है। तो ये करेले फिर लगे हैं, करेले दो बार तोड़ चुका मैं और फिर आ रहे हैं करेले, अभी फिर हो जाएंगे कुछ दिन बाद तोड़ने को, क्योंकि इसमें काफ़ी लगते हैं। मैं स्प्रे नहीं कर रहा, मैंने एक टेक्निक अपनाई है जो आपको दिखाऊंगा,
ये देखो करेले ये तोड़ने लायक हो गए, ये घिये लगे हैं। टेक्निक ये है, ये बोतल के अंदर एक चॉकलेट लटका दी और साइड में ये चॉकलेट लटका दी, साइड में एक गोल गोल छेद कर दिया और नीचे देखो होता क्या है, चॉकलेट के लालच में जो पीले वाली मक्खी है वो अंदर घुस जाती है और फिर वो निकल नहीं पाती। तो ऐसे मैंने दो तीन लटकाए हुए हैं जिनमें मक्खी नीचे मरी हुई काफ़ी देख पाएंगे आप, तो वो फिर डंक नहीं मार पाती और जिससे फिर हमारा घिया करेला जो भी है सेफ बच जाता है। देखिएगा ये कचालू लगाए हुए हैं, कचालू भी काफ़ी हो गए, ऊपर की साइड में गन्ना भी लगा रखा हमने, गन्ना मतलब साइड साइड में ऐसे ही खाने के लिए काफ़ी लास्ट तक लगा रखा है। इधर मिर्ची है, ये मिर्ची के पौधे हैं, खूब मिर्ची लगी हुई है, गुच्छे में लगी हुई है मिर्ची, देखोगे आप सारे पौधों में ऐसी मिर्ची लगी है भयंकर। ये बेचने के लिए हैं, तो आपको एक पौधे में दिखा दूँ मैं, देखो जी ये बहुत मिर्ची लगाई है, काफ़ी दूर तक है खेत, इसमें मिर्ची मिर्ची लगी है पूरी, तो बोरी भर के मिर्ची निकाल लेते हैं। अभी एक बार भी इसकी तोड़ान नहीं करी है, तोड़ा नहीं मिर्ची को, आप देखो गुच्छे में लगी है मिर्ची सही में, ये देखोगे तो ये पलम का पेड़ है, ये दूसरे वाली लोकल केले हैं, किन्नू है, नीचे जो पिछले साल पलम के पेड़ लगाए थे वो नीचे की तरफ है, ये इधर को अनार है। तो ऐसे देखोगे तो पूरा इसमें बीच में दूसरे जंगली पौधे या ऐसे भी घास वाले पौधे भी उनको काटूंगा, काफ़ी काट भी लिए, और फ्रूट के पौधे खाली लगाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको मैंने अपने गार्डन से अवगत कराया, नेक्स्ट टाइम दूसरा गार्डन या दूसरी खेत खलिहान की बातें। आशा है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मेरे वीडियो इतने एडवांस पिक्चराइज नहीं होते, ऐसे नॉर्मल होते हैं देसी वीडियो। ये देखो ये भी हमने संतरे का पेड़ लगाया, मैंने 20 पौधे लगाए संतरे के, ये भी लगाए हैं पूरे, मैं मतलब घूम नहीं पाऊँगा, काफ़ी लगाए हैं। ये हमारे कटहल जी है, इसके पूरा हमेशा एक सस्ता जी रहता है, ये कटहल के दो पेड़ हैं मेरे इधर, अभी छोटे हैं बढ़ेंगे, ये दुशहरी आम है भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कृपया मेरी वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।